हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आई एम सईद नशा एंड यू वॉचिंग विनी व्लॉग्स एंड शैल है, लेट मी जस्ट फिक्स माई कैमरा। फिर आज जो है बहुत ही एक लंबा सा व्लॉग मैंने बना के रखा है, बट मैंने सोचा मैं इसका इंट्रो तो बना दूँ, क्योंकि इंट्रो कोई भी नहीं बनाया था मैंने, और तब मेरे माइंड में भी नहीं था कि मैं व्लॉग बनाने वाली हूँ, क्योंकि लोगों ने अचानक से बोला कि व्लॉग बनाओ, तो आई स्टार्टेड व्लॉगिंग। बाय द वे, ये व्लॉग बिल्कुल रैंडम है, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं व्लॉग बना रही हूँ। सो आई होप कि यू गाइज विल इन्जॉय। जो कल्चर डे वाला डे है वो इतना खास नहीं हुआ था, बट आई होप कि आप सबको व्लॉग अच्छा लगेगा। सो या गाइज, लेट्स गो एंड वॉच दिस व्लॉग। हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई व्लॉग। आज हमारी यूनिवर्सिटी का कल्चर डे है, मैंने सोचा आज मैं व्लॉग बना लेती हूँ। वैसे इतना कोई खास तो नहीं है, मतलब सिंधी नहीं लग रही है, जो कैन सी आई एम नॉट लुकिंग सिंधी, बट अच्छा गाइज, अब आप ये मत समझिएगा कि मैंने बाल वॉश नहीं किए। आई डोंट नो व्हाई मेरे बाल इतने ऑयली लग रहे हैं शदीद तरीन, मैंने इवन तो मैंने वॉश मसले नहीं हो रहे ना अलीजा, कुछ बोलो तो सही। यस, अब कोई मैं आपको भी मेरे बालों में वॉल्यूम ही नहीं है, पता नहीं क्या थोड़ा दो तीन बार अब आप दोनों चेक करें। क्या हुआ, कैसी लग रही हो आप, क्या जीते हो, क्या जीती हो, दिखाओ क्या जीते हो फिर तुम। 20 रुपए, 20 रुपए जीते जी। आप, मैं आपके सामने कार्ड्स पूरे सेपरेट करूँ, आपको उसमें से दो बारियां मिलेंगी, 50 में आप बारी को लेंगे। अगर आपका एस निकला तो आपको 100 मुझे खुद नहीं पता कहाँ पर ढूंढना पड़ता। आपने मुझे तो नहीं दिखाया था, दे दो मुझे। ऑनेस्टली गाइस, मुझे यहाँ पे ये गेम समझ नहीं आ रही थी, बट मैं बस हाँ में हाँ मिला रही थी इनको, मुझे लिटरली कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्या बोल रहे हैं। पेट भी लगे ना पाँच लाख। आपकी दो बारी है, दो कार्ड्स लेंगे। अब वो बोल रहे थे कि एस फाइंड करना है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें से कोई एस है, इतने सारे कार्ड्स हैं यार। आपका नसीब, अब नसीब की बात। हाँ हाँ भाई, क्यों इतना रिमाइंड करा रहे हो मुझे कि मेरा नसीब अच्छा नहीं है। बाय द वे, सच अ बोरिंग डे। के बाद मैंने सोचा मैं कुछ खा लेती हूँ, तो मैंने अपने क्लास फेलो के स्टॉल से गोलगप्पे लिए, एंड गोलगप्पे बहुत यम्मी थे बाय द वे। गाइस, राइट नाउ वी आर जस्ट गेटिंग बोर्ड, कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पे, बस टेबल सुबह 2 बजे, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, बोर हो रहे हैं, और बस यही है कल्चर डे। हेलो गाइस, मुझे लिटरली समझ नहीं आ रहा मैं कल्चर डे पे क्यों आई लिटरली, क्योंकि मेरी तबीयत भी खराब थी एंड लाइक आई वॉज नॉट फीलिंग गुड एट ऑल, एंड फिर भी मैं आई। देखो जो नेक्स्ट डे था उस पर बहुत मज़ा आया, एंड यू कैन सी यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग है जो हमारी यूनिवर्सिटी के टैलेंटेड स्टूडेंट ने बनाई है। ये हमारी यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट है जिसका नाम है मिद्दत, एंड आई थिंक शी इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड, लाइक बहुत ज़्यादा खूबसूरत पेंटिंग्स हैं माशाल्लाह, शी इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि उसने अपनी सारी क्रिएटिविटी दिखाई है। तो गाइज़ बेसिकली यहाँ पे सारे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे, आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे स्टॉल्स हैं, हर चीज़ें खाने पीने की चीज़।
सो बस मैं इतना कहना चाहूँगी, आई थिंक स्टॉल्स अपनी जगह ठीक थे. मैं इतना बोलना चाहूँगी, आई थिंक कवाली नाइट के लिए स्टॉल्स परफेक्ट हैं, क्योंकि रात को भूख भी लगती है, तो जो लोग मतलब बाहर से आ रहे हैं, मतलब हमारी यूनिवर्सिटी के नहीं हैं, उनको भूख लग रही है, तो वो जाके हमारे किसी स्टॉल से कुछ बाय कर सकते हैं, ठीक है. बट आई थिंक डे वाला जो इन्होंने स्टॉल लगाया था वो बहुत गलत था, क्योंकि मतलब कौन सुबह सुबह उठ के हमारी यूनिवर्सिटी आएगा और वहाँ से आके बस खाना पीना खाएगा, मतलब वो घर बैठ के ही खा लेगा, क्यों आएगा हमारी यूनिवर्सिटी. सब कुछ अवेलेबल था, खाने पीने की चीज़ें सब थी, बट आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. मैंने बस गोलगप्पे खाए, बट उसके बाद मैंने साइकिलिंग की, क्योंकि रियली रियली लाइक साइकिलिंग. मुझे बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे थे कि साइकिलिंग नहीं करो, लग जाएगी किसी को, बट फिर भी मैंने बोला नहीं, मैं तो करूँगी. मैंने उसी वक्त साइकिल उठाई और साइकिलिंग की, बट अनफॉर्चुनेटली साइकिल आगे जाके रुक गई क्योंकि साइकिल की चेन उतर गई. एंड मुझे ऐसा लग रहा था, जब मैं साइकिलिंग करी थी, मुझे ऐसा लग रहा था सारी यूनिवर्सिटी के बच्चे मुझे देख रहे हैं, मतलब सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स सब मुझे ही देख रहे हैं. ऐसा मुझे ऐसा फील हो रहा था सब मुझे ही देख रहे हैं, एंड लिटरली आई थिंक वाकई में सब मुझे ही देख रहे थे. आप चलाए थे पैदल साइड यार, वहां पे लोग पीछे हो ना, नहीं आप जी मेरे मां नहीं लगी एक करें कोई निशाना बना सकते लगा थोड़ा अच्छा बनाना चाहिए. क्या वो लोगर है? हां लोगर है, लोगर है, टिकटॉकर लोगर यूट्यूबर था है. एक गिनती से एक यूट्यूबर एक नहीं लग रहा मुझे. ओहो वनीला, कोई बात की बात सुने, आपने ट्राई किया तो आप भी ले. आप लोगों का स्टॉल किस चीज का है? अस्सलाम वालेकुम, हम बीबीए वन से हैं. मेरा नाम सैयद उमर है, ये आतिफ है और ये अहसान है. हमारा जो स्टॉल है वो इट्स ऑल अबाउट फन एंड गेम्स, फूड का स्टॉल है, गेम्स का स्टॉल है. द फर्स्ट गेम वी हैव इज शूटिंग, शूट द टारगेट है. इसका हमने नाम रखा शूटोहॉलिक, बिकॉज यू नीड टू टारगेट पेंसिल्स एंड बलून्स. अगर आप बलून्स पे हिट करते हैं तो आपको प्राइस छोटा मिलेगा, पेंसिल पे करते हो पेंसिल पे ज़्यादा अच्छा प्राइस मिलेगा. ऑल्सो है फूड आइटम्स, जिसमें मोमो है, मोमोज है, मैक एंड चीज है, चिकन पोटैटो बॉल्स है, और उसके अलावा चाउमिन है, और इसके अलावा हमारे पास फ्राइजिंग है, हमारे पास टिन गेम भी है. दिस इज टिन गेम, आपको बॉल टूपा खिला देंगे. उसके अलावा ये हमारी बेटी हीरा, ये हमारे सेम रेप्रेजेंटेटिव है, ये हमारे सारे हैं. दैन दिस इज अ नाइस गेम ना, दिस इज कॉल्ड टिश्यू रन. आपको टिश्यू थोड़ा सा खींच के फिनिश लाइन पे लेकर आना. यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉल्स वगैरह लगे हैं, एंड ये डे जो है पूरे 3 दिन चलेगा, एंड उसके बाद कवाली नाइट होगी, एंड एवरीबडी इज़ इंजॉइंग द डे, एंड गेम्स वगैरह हैं, और बहुत ज़्यादा खाना, और यहाँ पे फास्ट फूड गेम्स सब चल रहा है, एंड मुझे भी अभी मज़ा आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था, पहले मैं बहुत बोर हो रही थी. फिर मैंने साइकिलिंग वगैरह भी किया, फिर आई एम इंजॉइंग, अभी मैं स्टार्टिंग से ही बहुत इंजॉय कर रही हूँ, एंड या दैट्स इट. बट मुझे बहुत पसीना आ रहा है लिटरली. अच्छी बात यह है, अच्छा कहीं सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने कभी लाइफ में जो है गन नहीं चलाई, और मेरा ड्रीम था कि मैं कभी गन चलाऊँ, एंड आई डिड इट टुडे, एंड आई एम सो हैप्पी, एंड आई डोंट नो तो ये कैसी हैप्पीनेस है, बट ये बहुत मुझे बहुत खुशी हो रही है. इवन तो मैंने साइकिलिंग बहुत दफ़ा की, बट मुझे साइकिलिंग, जब भी मैं साइकिलिंग करती हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है. आई थिंक मुझे 3-4 साल हो गए मैंने साइकिलिंग नहीं की, नहीं मुझे 3 साल हो गए मैंने साइकिलिंग नहीं की, तो आज फिर मैंने साइकिलिंग की, मुझे बहुत मज़ा आया, आई रियली एंजॉयड इट, एंड मेरे बाल खराब हो गए बाय द वे. सो गाइज दिस इज अनदर डे, जिस सो गाइज नाउ दिस इज द लास्ट डे, एंड इस डे पे कवाली नाइट थी, एंड कवाली नाइट पे अस्कर खोसो आए थे, एंड दूसरे भी कवाल वगैरह आए थे. सलीम देसवाली साहब ने
हमको 10,000 भेजे कूड़ के ये प्यू जो है हमने मार्केट में आनी चले 10,000 निकाल मिलियो टक्को ही ना है ना मिलनो आए। मुझे तो ऑनेस्टली बहुत मज़ा आया कवाली नाइट पे, इवन दो बहुत मैं अकेली अकेली थी, आई वॉज गेटिंग बोर्ड। पहले तो स्टार्टिंग में मैं बहुत बोर हो रही थी, बट फिर मुझे बहुत मज़ा आ गया क्योंकि फिर मेरी दोस्तें आ गई और फिर दो तीन रैंडम लोगों के साथ बैठी थी। आई वॉज लिटरली सिटिंग विथ रैंडम पीपल्स एट द कवाली नाइट, बट फिर भी मुझे मज़ा आया। सो गाइज ये था मेरा ब्लॉग, आई होप कि आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। एंड अभी ये मैंने फ्रेश मेकअप किया है जस्ट टू मेक द इंट्रो एंड आउट्रो। सो या गाइज बाय, टेक केयर, आई विल कम बैक टू माई ओल्ड चैनल विच। सो या गाइज बाय, टेक केयर, होप यू गाइज एंजॉय, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन टिकटॉक, ट्विटर, फेसबुक, Snapchat, you can follow me anywhere, literally. Bye.